आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली लगाया इसे, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। माला ऐसी बना लो न टूटे कभी, माला ऐसी बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर अनमोल है, तेरी काया की चूनर ये अनमोल है। इसको नौ मास गढ़ते लगा है समय, इसको नौ मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी, भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले, कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले। गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिनती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले,
जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। बोलिए सदगुरु देव की जय। इस पद में हम सब ने सुना, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले न मिले। गुरु के भजन में अगर हम लगते हैं और कैसा लगते हैं, मगन हो करके। मगन वही हो सकता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसमें किसी प्रकार की पकड़ ना हो, आसक्ति ना हो, वही मगन हो सकता है। सदगुरु कबीर ने अपने पद में कहा है, होए मगन निसंग, होए निसंग मगन होए नाचे। जो कौन नाचता है, कौन निश्चिंत होता है, निश्चिंत होकर हो जाता है, वही मगन होता है। तो हमने इस पद में ये सुना कि आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। गुरु के भजन क्या है? गुरु के भजन है गुरु के बताए रास्ते के अनुसार चलना, आचरण करना, यही गुरु के भजन करना है। गुरु की सेवा भक्ति है, उसके हम शारीरिक रूप से हम सेवा भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गुरु का जो ज्ञान हमको मिलता है वह अमोघ होता है, अमूल्य होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यही है गुरु के भजन में मगन होना, उसके ज्ञान को ग्रहण करना, उसके रहनी को धारण करना। और इसको रहनी को और ज्ञान को अगर धारण कर लिए तो मगन होना ही है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा। सदगुरु संत हम सबको यही सीख देते हैं, यही बताते हैं, जिसकी चाहनाएं मिट गई और चिंता भी मिट गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और मनवा बेपरवाह हो गया, मन में किसी प्रकार की ना हर्ष है, ना शोक है, ना राग है, ना द्वेष है, बस वो अपने आप में मगन है, स्थिर है। और जिनको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ चाहिए नहीं, तो वही तो सहनपति शाह है, शहनशाह है, जिसको हम सम्राट कहते हैं, बादशाह कहते हैं, वो तो तृष्णा में पड़े रहते हैं, मान सम्मान में पड़े रहते हैं, राज्य के विस्तार में पड़े रहते हैं, उसके कई शत्रु होते हैं, वो निश्चिंत नहीं रह पाते, हर समय उसके जीवन में भय सताता रहता है, निश्चिंतता के जीवन नहीं जीता, जिसको हम सम्राट कहते हैं। सम्राट वही बन सकता है, हम सब बन सकते हैं। उसके लिए ना नर चाहिए, ना नारी चाहिए, ना बूढ़ा चाहिए, ना बच्चा चाहिए, ना साधु चाहिए, ना कुछ भी, कोई भी मानव मात्र उसके अधिकारी है। बस उन शर्तों को हमको मानना पड़ेगा, उस नियम को हमको मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सदगुरु संत हम सबको यही बताएं कि गुरु के भजन में मगन हो जाओ, क्योंकि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी दोबारा मिले ना मिले। सदगुरु कबीर ने कहा है कि आज काल दिन कई के में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। आज काल या कुछ ही दिनों में हमारा शरीर स्थिर होने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। आज काल दिन कई के में अस्थिर नाही शरीर, और कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन। इस शरीर को कैसे हम बचाते हैं? कच्चे घड़े, घड़ा है और उसके किसी ठोकर से हम उसको जैसे बचाते हैं, वैसे ही हमारा शरीर कच्चे घड़े के समान है। कब क्या कुछ ठोकर लगी और वहीं लुढ़क गया। इतना क्षणभंगुर है, इतना बिल्कुल ये कमजोर है कि पूछिए मत। तो सदगुरु संत कहते हैं कि हमको जीवन जो मिला हुआ है बड़ा बहुमूल्य है, इसकी महिमा को हम जाने, इसकी महत्ता को हम जाने, हम इसकी महत्ता को हम समझे, तभी सुख शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पद पर मैंने कुछ कहा, आइए हम विचार थोड़ा सुनते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संत श्री पुराण साहब जी, थोड़ी देर
के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव मुझको शांति दें, सद्भाव दें, सद्बुद्धि दें, पारस्परिक सहयोग दें, मम हृदय की परिशुद्धि दें, मन में विमल ही भाव हो, तन से विमल आचार हो, मिथ्या पिसुणता रहित वाणी, भक्ति भाव प्रचार हो, हो संत का दर्शन सदा ही, भक्ति भाव भरे हुए, जो राग द्वेष विकार भय संसार सिंधु तरे हुए, आनंद बस अपने हृदय का पट खोलो, एक बार सब मिल कर के सदगुरु कबीर की जय बोलो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगल मैं संत समाज, भक्त समाज, साध्वी समाज, परमहर्ष का विषय है कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री गुरुभूषण साहिब जी, जो इस समय कबीरपंथ के जाने माने संतों विद्वानों में हैं, आप सब जान ही रहे हैं, अभी कुछ ही समय में पारख सिद्धांत के दो महापुरुषों का अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर के स्वरूप लीन हो गए, परम श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब जी गुजरात में और बिहार में परम श्रद्धेय श्री धर्म स्वरूप साहेब जी, दो हमारी इस पारख सिद्धांत के इस समय मूर्धन्य विद्वान प्रचारक और सब तरह से योग्य संत श्रद्धे रहे हैं। उन दोनों का एक सप्ताह के अंदर ही इस नश्वर शरीर को छोड़कर बिलोक गए हैं। साहब जी पद में भी यही दर्शा रहे थे कि यह शरीर क्षणभंगुर है, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो सदगुरु संतों का हमें शरण में जाना चाहिए, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को अंतरंग अंतःकरण में उतार करके अमल में लाने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यहीं सम्मल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विषाह सब चले जहां बनिया नाहाट, यहाँ ही सम्मल कर ले। सदगुरु कबीर साहब जी संकेत करते हैं और सभी संत महापुरुष इन बातों को, जो खास का बात है, जो सत्य बात है, सही बात है, आम बात है, उनको तो सभी संत गुरुजन जो है अपने समय पे अपने उन शब्दों में, वाणियों में, साखी शब्दों में, दोहाओं में, अनेक तरह से श्लोकों में इस बात को दर्शाए ही है, कहे ही है।
जो सभी लोग आम रूप से जानते हैं, तो सद्गुरु साहेब जी, सद्गुरु कबीर साहेब जी जो महान संत हुए, विश्व वंदनीय संत हुए हैं, जिनके पथ पर, जिसके मार्ग पर हम सब भेषधारी भी, भक्तजन भी चलने का प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो वे कहते हैं, इस साखी में यहाँ ही सम्मल कर ले, हे मानो, हे सज्जनों, आप कल्याण चाहते हो, अर्थात मुक्ति चाहते हो, शांति पद को चाहते हो, अपने स्वरूप को, अपने राम को जानना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो इसी जीवन में, इसी समय सम्मल कर ले। सम्मल करते कहते हैं तैयारी को, सौदा जो किया जाता है, तो सौदा करने की पूरी तैयारी, झोला चाहिए, रुपए पैसा चाहिए, जाने का साधन चाहिए, जहाँ बाजार हो रहा हो वहाँ तक पहुँचने का मार्ग चाहिए। हम जानते हो कि अमुक जगह हमें आज बाजार है, हमें सौदा लेना है, तो पूरा हम तैयारी के साथ ही जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने स्थिति में, अपने परम पद को, शांति पद को प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का वास्तविक में यह ही मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है मनुष्य का, मुख्य रूप से। इसीलिए हमारे इस मनुष्य का जीवन, जो चोला जो हम धारण किए हैं, और ये बार बार भी नहीं मिलता है मनुष्य का जीवन, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। और तो सब मिल सकता है, पुनर्वित्तम धन मिल सकता है, भार्या मिल सकती है, जमीन जायदाद मिल सकते हैं, मित्र मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन नहीं मिल सकता, बार बार नहीं मिल सकता। मिलेगा तो पुण्य उदय जब होता है तब मिल ही जाता है। अब पुण्य उदय कब होगा? जब हमारा कर्म ही ठीक रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्रता पूर्वक हम मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्यता के लायक हम कार्य करें, कर्म करें, तभी हम पुनः इसी जीवन के बाद फिर से हम मनुष्य शरीर में आ सकते हैं, अन्यथा तो आगे विसी बार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इसी जीवन में ही, मनुष्य जीवन में ही साधन धाम को, स्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक संवारा। मनुष्य का जीवन साधन का धाम है, इसमें हम इन सब कार्यों को कर सकते हैं, रोज का कार्य, व्यवहारिक कार्य और कार्य को भी करना है, इन सब को भी करना है, परंतु अपने आत्म कल्याण का ही काम छूट जाता है, हम भूल जाते हैं। आज नहीं, हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, ये सब हम सोचते हैं, समझते हैं, परंतु समय इंतजार नहीं करता, वो तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, समय का इंतजार, समय हमारा इंतजार नहीं करता। इसलिए किसी भी अवसर पे जब हम चाहें तब अपने कल्याण के मार्ग में, चाहे बचपन में हो, जवानी में हो, वृद्धावस्था समय पे हो, हम इस कार्य को कर सकते हैं। पर जब हमें सद्गुरु संत जब मिल चुके, हमें जानकारी हो गई कि हमारी अज्ञानता क्या है, भूल क्या है, जिस कारण से हम इस जगत के इस जंजाल में हम पड़े हुए हैं, और इस जंजाल से हम छूट भी कैसे सकते हैं, इन दोनों उपायों को, कैसे हम बंधनों में पड़े हैं और उन बंधनों को कैसे हम उससे छूट सकते हैं, छूटने का उपाय भी संत गुरुजन महापुरुष जो है हमें बता चुके हैं। बस उन्हीं मार्गों पर ही हमें चलना आवश्यक है, तो हमारा तो कहीं और नहीं है, हम ही हैं, और हम ही अपने आप को ही ढूंढते हैं। हम मिले हमको हमारी खोज से, हम मिले हमको हमारी खोज से, हम में ही हमको हमारा मिल गया, हम में ही हमको हमारा मिल गया। मैं और मेरा प्यारा
मैं और मेरा प्यारा इसी बस्ती में बसते हैं। किस्मत की खूबी देखो, मिलने को तरसते हैं। हम ही को खोज रहे हैं। जिस दिन पता हो जाएगा, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नाही, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नाही, सभी में रमा मही मैं हूँ, सभी में रमा मही मैं हूँ, मस्ती है मस्ती किया कुछ नाही। अपना स्वरूप भी आनंद स्वरूप है और उस आनंद को हम ढूंढते कहीं और जगह है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल में है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। संत लोगों ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है, समझाए हैं। संतो पानी में मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी, आत्म राम बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहाँ कहाँ हम ढूंढते हैं, पर है अपने ही पास ही है, हम स्वयं ही हैं। बस उसी तत्व को, उस परम तत्व को, परम सत्य को जान लेना है। बस हो गया, जान गए, जिस जान गए, फिर उसमें स्थिति कहिए, ठहराव करिए। तमाम दुनिया भर के और सब जंजालों से आप अपने मन को हटा दीजिए, अपने आप में शांत हो जाइए, तो फिर कहीं और फिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कतहु मुक्ति को धाम नहीं जहाँ बसत कोई ग्राम, भव बंधन से छूटिबो मुक्ति तिसी को नाम। बस इसी जो वासनाओं में हम पड़े हुए हैं, उन वासनाओं को, कामनाओं को, चाहनाओं को छोड़ दें, अब बस अपने आप में शांत हो जाएं, तो शांति सीता हमारे अंदर ही है। शांति सीता समायुक्ता तस्य रामो विराजते। अब कहाँ ढूंढोगे, वही राम तुम्हारे अंदर। शांत हो जाओ, शांति स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाओगे। कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तो यहाँ ही संभल कर ले, इसी मनुष्य जीवन में, इसी समय, इसी वक्त आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। और जो मुक्ति के जो मार्ग है, जो संपन्न होना है, उन विधाओं को, उन क्रियाकलापों को अपने आचरण में धारण कीजिए। बस और सब कुछ छोड़ देना है। और चीजों के लिए तो हम प्रयास, हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत की जरूरत है, पर इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता और कुछ नहीं, और केवल मन को ही अपने आप में शांत कर लीजिए, अपने स्वरूप का दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। बस तो यहाँ ही सम्मल कर ले, तो वह अवसर इसी मनुष्य जीवन में और इसी समय है। इसको लोग घुमा देते हैं, भुला देते हैं, कभी भी कर लेंगे यूं कह लेते हैं। तो वास्तविक में जो ये युवा अवस्था है, ये हमें ज्ञानार्जन करने का अवस्था है, किशोरावस्था से लेकर के। और जवानी जब आ जाती, शादी ब्याह जब हो जाता है, तब धनार्जन करने का अवसर होता है। और जब वृद्धावस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं, कर लेते हैं, 50 से आगे 60 तक या इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं, तब हमें पुण्यार्जन करना चाहिए। ये शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा है। तो यहाँ ही संभल कर ले, आगे विषय बात और आगे का मार्ग जो है विषय मार्ग है, और कहीं और दूसरे खानियों में कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता। वो भूमिका ही नहीं है, वो केवल भोग भूमिका है। जो कर्म किए हो पहले जीवन में, उसी को फल हम भोगते हैं। पर मनुष्य जो है आज इतना ये गिर चुका है, जो जलचर है, जलचर प्राणी है, जो जल को पवित्र करता है, साफ करता है, मनुष्य उसे भी साफ कर जा रहा है।
आकाश मंडल में उसे साफ करने वाले शुद्ध करने वाले पक्षीगण हैं, वायु में आकाश में उड़ने वाले उनको भी मनुष्य सफाचट कर देता है, और इस पृथ्वी को साफ करने वाले सुअर लोग हैं, ऐसे कुछ प्राणी हैं, ये मुर्गी लोग हैं, और भी कीट पतंग पतंगों को कई जानवर ही खा जाते हैं, मनुष्य को बचाते हैं, वे पर्यावरण को बचाते हैं, पर मनुष्य ऐसा है कि पृथ्वी में को साफ करने वाले इसे भी सफा कर देते हैं। ये बताइए, जब वास्तविक में सफा में मिल जाएंगे तो फिर वो खुद खुदा हो जाएगा। कहा भी गया है, सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, खुदी मिट गई अहंकार को आपा मिटी। सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं आपा आपा। हाँ तो कबीर साहब की भी साखी है, तो अपने उस सभा से मिला था संत गुरुजनों के महापुरुषों से जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनके आप सेवा सत्कार कीजिए, उनको बड़े विनम्रता से सरलता से उनके साथ सामने निवेदन कीजिए या उसे श्रवण कीजिए, तो बस आपको उसी से ही मार्ग मिल जाएगा। तो ये सफा लोग हैं, संत सात्विक लोग हैं, शांत रहने वाले हैं, शांत पद पे स्थिर हैं। तो सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, खुदी मिट गई। परंतु वास्तविक वह मुक्ति जो है सरल भी है और कठिन भी है, सरल भी है और कठिन भी है। तो आगे इसी बात स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, उस स्वर्ग की काम कल्पना करते हैं और वहां कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, आकाश तो सुन पोल है। पहले लोग नहीं पहुंचते थे आगे चंद्र, अब तुम मानो जो है चंद्र लोग पहुंच गए, और कहां कहां नहीं पहुंच गए और कहां कहां नहीं पहुंचेंगे सब खोज कर रहे हैं मनुष्य मानव, जिस पर भी हाथ लगा देते हैं, जिसे भी छू लेते हैं वह ही बड़ा कीमती बन जाता है, मूल्यवान बन जाता है। पत्थर को छीन देते हैं, छील छील करके मूर्ति का आकार बना देते हैं, या हम कुर्सियों में बैठे हैं तो लकड़ी को छील छील करके बढ़ाई जो है उसे क्या क्या आकार नहीं देते हैं। तो मनुष्य जहां भी छू लेते हैं और वह पूजनीय हो जाता है। तो ऐसा है मनुष्य जीवन का। तो यहाँ ही कर बीसी बार स्वर्ग विसाहन सब चले और जहाँ बनिया ना हाट, और वहाँ वह परमात्मा की कल्पना कहा किया गया है कि वहाँ परमात्मा जिसकी हम भक्ति करते हैं उनके पास हम पहुँचेंगे तो हमारी सारी दुख सब मिट जाएगा और बड़े आनंद से वहाँ हम जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु गीता में यह भी कहा गया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम् विशन्ति। अरे भाई यदि वहाँ मान लो है भी और पहुंच भी जाओगे पुण्य के प्रताप से तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके मृत्युलोकम् विशन्ति, फिर इसी मृत्युलोक में तुम्हें आना पड़ेगा। बस इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।